कौन कौन सी हो सकती है गेहूँ चावल मक्का ये सब खाद्यान्न फसलें होती है नकदी फसलें जिसमें मसाले गन्ना तम्बाकू ये सभी नकदी फसलें के अंतर्गत आते हैं बाग़ानी फसलें जैसे कि कॉफ़ी चाय रबर ये सब बाग़ानी फसलें के अंतर्गत आते हैं इसके अलावा रेशेदार फसलें होती है जिसमें कपास जूट इन सबको रखा जाता है तो इस तरीके से देखिए फसलों को अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है अब देखिए जो विश्व की प्रमुख कृषि फसलें हैं उनको हम एक एक करके अच्छे से डिस्कस करेंगे कुछ 12 से 13 इंपॉर्टेंट फसलों को मैंने निकाला है जिनको हम डिटेल में स्टडी करेंगे इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी देखेंगे ओके तो चलिए देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं राइस मतलब चावल की तो ये एशिया की सबसे प्रमुख धान फसल है पूरे विश्व में नब्बे चावल जो है दक्षिण एशिया में ही पैदा होता है ठीक है दक्षिण एशिया मतलब चाइना भारत इंडोनेशिया इस एरिया में ही सबसे ज्यादा चावल जो है वो प्रोड्यूस होता है अगर हम एफ एओ फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के आंकड़ों के अनुसार बात करें तो विश्व में सबसे ज्यादा चावल प्रोडक्शन करने वाले उत्पादन करने वाले देशों की बात करें तो पहले नंबर पर आता है चाइना दूसरे नंबर पर आता है भारत तीसरे नंबर पर आता है इंडोनेशिया ओके ये सीक्वेंस ध्यान रखिएगा जितने भी फसल हम डिस्कस करेंगे उसमें देखिए पहला दूसरा नंबर तो आपको याद रखना ही है तीसरा अगर आप याद कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है तो पहला दूसरा तो आपको हर फसल का याद रखना है कि कौन पहले स्थान पर है प्रोडक्शन में और कौन सेकंड नंबर पर है तो यहां पर देखिए चाइना पहले नंबर पर है भारत जो है वो दूसरे नंबर पर है यहां पर हमने एक टर्म को यूज करा फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन जिसको हिंदी में बोला जाता है खाद्य एवं कृषि संगठन ओके फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहां पर स्थित है ये आपको पता होना चाहिए रोम इटली में स्थित है अब आगे देखिए चावल की फसल के लिए सर्वाधिक क्षेत्र जो है वो किस देश में है भारत में है 43 मिलियन हेक्टेयर जबकि चाइना के पास चावल की फसल के लिए जो क्षेत्रफल है वो 30 मिलियन हेक्टेयर है फिर भी चाइना जो है भारत से ज्यादा प्रोडक्शन करता है राइस का क्यों क्योंकि भारत में जो क्षेत्र हैं उसमें सिर्फ आधे भाग पर ही सिंचाई की जाती है तो ये कारण है जिसकी वजह से भारत जो है वो सेकेंड नंबर पर आता है ध्यान रखिएगा अंतर्राष्ट्रीय चावल शोध संस्थान जो है इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थित हैं फिलीपींस में स्थित हैं और ध्यान रखिएगा धान जीन बैंक जो है वो भी फिलीपींस में ही स्थित है तो ये दोनों चीजें जो है ये इंपॉर्टेंट है यहां से क्वेश्चन पूछा गया था इस चीज को ध्यान रखिएगा धान जीन बैंक और अंतर्राष्ट्रीय चावल शोध संस्थान फिलीपींस में स्थित है आगे ध्यान दीजिएगा शंकर धान जो है वो चीन में बोया जाने वाला सबसे लोकप्रिय चावल है चीन के चावल क्षेत्र के आधे भाग पर यही चावल जो है वो बोया जाता है तो संकर धान का संबंध किससे है चाइना से है चाइन आगे देखिए जो किसान होते हैं वो धान की खेती को पांच से पंद्रह प्रतिशत तक बढ़ाने के लिए एक जैविक खाद का यूज करते हैं जैविक खाद बोले चाहे आप जीवाणु बोलिए उसे बैक्टीरिया बोलिए एक जैविक खाद का यूज करते हैं उस जैविक खाद का नाम आपको पता होना चाहिए उसका नाम क्या है एजोला एनाबीना अब इसका नाम एजोला एनाबीना कैसे पड़ा मैं आपको बताता हूं देखिए एजोला जो होता है वो पानी के ऊपर पनपने वाले छोटे पौधे होते हैं और इन पौधों की पत्तियों में एक सूक्ष्म जीव एनाबीना होता है क्लियर इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा एजोला एनाबिना ये जो एनाबिना होता है ये ब्लू ग्रीन एल्गी होता है नील हरित शेवाल जिसे हिंदी में बोला जाता है उसी का एक टाइप होता है नील हरित शेवाल ब्लू ग्रीन एल्गी को साइनोबैक्टीरिया भी कहा जाता है और ये साइनोबैक्टीरिया जो होता है ये फसलों के नाइट्रोजन और बहुत से पोषक तत्वों की पूर्ति करते हैं और साथ ही जमीन की जो उर्वरक क्षमता होती है उसे भी बढ़ाते हैं ये साइनोबैक्टीरिया क्लियर तो आपको समझ में आया किसान जो होते हैं धान की खेती को पांच से पंद्रह प्रतिशत बढ़ाने के लिए किस जैविक खाद का यूज करते हैं एजोला एनाबिना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है यहां से क्वेश्चन एग्जाम में निकल कर आता है आगे हम जो अगली फसल डिस्कस करेंगे वो है गेहूं तो देखिए गेहूं जो है वो उत्पादन की दृष्टि से विश्व की दूसरी सबसे बड़ी खाद्यान्न फसल है गेहूं की जन्मभूमि किसे बोला जाता है फिलिस्तीन को बोला जाता है ओके गेहूं का पौधा जो होता है वो शीतोष्ण जलवायु का पौधा होता है मतलब ठंडी जलवायु का पौधा होता है ठीक है इसकी पैदावार के लिए टेम्परेचर जो होता है वो कितना होता है टेन डिग्री सेल्सियस से लेकर ट्वेंटी डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर जो होता है वो सही होता है गेहूं के पौधे के लिए अगर हम बात करें कि विश्व में ऐसे तीन देश जो सबसे ज़्यादा गेहूं का प्रोडक्शन करते हैं तो वो कौन से हैं देखिए पहले नंबर पर आता है चाइना सेकंड नंबर पर आता है भारत और तीसरे नंबर पर आता है रशिया रूस ठीक है चीन भारत और रशिया तो ये सीक्वेंस हमको ध्यान रखना है अगर हम बात करें कि गेहूं फसल के क्षेत्रफल में कौन सा देश जो है वो पहले नंबर पर आता है तो कौन सा देश है भारत ठीक है गेहूं फसल के क्षेत्रफल में भारत जो है विश्व में पहले नंबर पर आता है इसके बाद देखिए अगली फसल जो हम डिस्कस करेंगे वो कौन सी है मक्का गेहूं और चावल के बाद मक्का तीसरी प्रमुख खाद्यान्न फसल है मक्का जो है वो एक अमेरिकन पौधा है और विश्व में मक्के का लगभग पचास प्रोडक्शन जो होता है वो अकेले संयुक्त राज्य अमेरिका मतलब यूएसए में होता है इसका जन्म स्थान जो है वो कौन सा है ध्यान रखिएगा मक्के का मैक्सिको मैक्सिको को मक्का का जन्म स्थान माना जाता है ठीक है बर्थ प्लेस जो है इसकी मैक्सिको है अगर हम बात करें विश्व में तीन ऐसे देश जो मक्का का सबसे ज्यादा प्रोडक्शन करते हैं तो वो कौन कौन से हैं देखिए पहले नंबर पर संयुक्त राज्य अमेरिका ओवियस ही बात है सेकेंड नंबर पर चाइना और तीसरे नंबर पर आता है ब्राजील बहुत इंपॉर्टेंट है पहले पे संयुक्त राज्य अमेरिका दूसरे पे चाइना और तीसरे पर आता है ब्राजील संयुक्त राज्य अमेरिका में मुख्य भोजन के रूप में मक्के का देखिए उपयोग नहीं किया जाता है सबसे ज्यादा मध्य अफ्रीका देशों में मक्के का देखिए मुख्य भोजन के रूप में उपयोग किया जाता है ठीक है तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है ध्यान रखिएगा इसके बाद देखिए अगली फसल जो हम डिस्कस करेंगे वो आती है देखिए हमारी गन्ना विश्व में जो टोटल चीनी का प्रोडक्शन होता है ठीक है शक्कर का जो प्रोडक्शन होता है वो साठ से सितर गन्ने से ही प्राप्त किया जाता है अगर गन्ने की बर्थ प्लेस की बात करें तो वो किसे माना जाता है भारत को माना जाता है ठीक है भारत को गन्ने की जन्मभूमि माना जाता है विश्व में तीन सबसे ज्यादा गन्ना प्रोडक्शन करने वाले देश जो है वो कौन कौन से हैं पहले नंबर पर आता है ब्राजील दूसरे नंबर पर आता है भारत तीसरे नंबर पर आता है चाइना ठीक है भारत देखिए गन्ना प्रोडक्शन में दूसरे नंबर पर आता है विश्व में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था अब देखिए हमने बात करी थी कि गन्ने की फसल से साठ से सत्तर प्रतिशत जो है शक्कर प्राप्त की जाती है चीनी प्राप्त की जाती है तो इस तरीके से उत्पादित चीनी का सबसे ज्यादा देखिए भाग एक्सपोर्ट कौन सा देश करता है कौन सा करता है देखिए थाईलैंड 82 प्रतिशत भाग जो है थाईलैंड निर्यात कर देता है एक्सपोर्ट कर देता है क्लियर आगे देखिए इसी से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है क्यूबा जो देश है उस देश में गन्ना उत्पादन प्रमुख रूप से होता है जिससे चीनी प्राप्त की जाती है इसीलिए विश्व में क्यूबा को चीनी का कटोरा मतलब शुगर बॉल कहा जाता है शुगर बॉल किसे कहा जाता है क्यूबा देश को कहा जाता है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ध्यान रखिएगा इस चीज को भी आगे देखिए अगली फसल को हम डिस्कस करते हैं जो कि है चुकुंदर शुगर बीट विश्व में चीनी के कुल उत्पादन की 30 से 40 प्रतिशत भाग जो है वो चुकुंदर से ही प्राप्त की जाती है अभी हमने बात करी थी गन्ने से 60 टू 70 प्रतिशत जो है वो चीनी प्राप्त की जाती है चुकुंदर से 30 से 40 प्रतिशत भाग जो है शक्कर जो है वो प्राप्त की जाती है ठीक है चुकुंदर से चीनी बनाने की जो प्रोसेस थी वो सबसे पहले कहां पर देखिए स्टार्ट हुई थी जर्मनी में स्टार्ट हुई थी तो ये आपको पता होना चाहिए अगर हम बात करें कि विश्व में ऐसे तीन देश कौन से हैं जो सबसे ज्यादा चुकुंदर का देखिए उत्पादन करते हैं तो पहले नंबर पर आता है देखिए रशिया रूस दूसरे नंबर पर आता है फ्रांस तीसरे नंबर पर आता है जर्मनी रूस फ्रांस और जर्मनी रूस और फ्रांस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ध्यान रखिएगा पहले दूसरे नंबर पर यहां से क्वेश्चन बन जाता है एग्जाम में अच्छा एक इंटरेस्टिंग चीज ध्यान रखिएगा यूक्रेन जो देश है उसमें संपूर्ण चीनी का जो प्रोडक्शन किया जाता है वो चुकुंदर से ही किया जाता है तो ये चीज आपको पता होना चाहिए इसके बाद देखिए अगली फसल आती है हमारी कॉटन कपास कपास तो भारत को कपास का जन्मदाता कहा जाता है ठीक है रेशे की लंबाई के अनुसार कपास को अलग अलग कैटेगरी में बांटा जाता है छोटे रेशे वाले कपास होते हैं मध्य रेशे वाले कपास होते हैं लंबे रेशे वाले कपास होते हैं तो अलग अलग टाइप के देखिए यहां पर कपास होते हैं छोटे रेशे वाली जो कपास होती है इसमें कपास जो होती है वो 2.5 सेंटीमीटर से छोटी होती है ओके और इस तरीके की कपास जो है वो भारत चीन इन देशों में उगाई जाती है मध्य रेशे वाली कपास की बात करें तो इस कपास की लंबाई जो होती है वो 3.75 से लेकर 5 सेंटीमीटर तक की इनकी लंबाई होती है ओके विश्व में अधिकांश इसी तरीके की कपास जो है वो उगाई जाती है इस प्रकार की कपास का देखिए उत्पादन कहां पर होता है नील नदी से लगे देशों में किया जाता है इसे मिस्र की कपास के नाम से भी जाना जाता है राइट अगर हम बात करें कि विश्व के तीन प्रमुख देश जो कपास का सबसे ज्यादा प्रोडक्शन करते हैं ठीक है कॉटन का सबसे ज्यादा प्रोडक्शन करने वाले देश कौन कौन से हैं पहले नंबर पर आता है चाइना दूसरे नंबर पर आता है भारत तीसरे नंबर पर आता है संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए ओके अगर प्रति हेक्टेयर की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया जो है वो पहले नंबर पर आता है 2202 किलोग्राम पर हेक्टेयर प्रोडक्शन करता है कॉटन का ऑस्ट्रेलिया ठीक है पहले नंबर पर आता है वो अब एक इंटरेस्टिंग चीज ध्यान रखिएगा कि जो ज्वालामुखी विस्फोट होता है उसके बाद लावे से जिन मैदानों का देखिए निर्माण हुआ है उन मैदानों पर अक्सर कपास की खेती ही की जाती है इसके बाद देखिए अगली हमारी फसल आती है तंबाकू तंबाकू की खेती के लिए हाई टेम्परेचर जो होता है वो रिक्वायर्ड होता है अगर हम बात करें कि विश्व में तीन सबसे ज्यादा तंबाकू उत्पादन करने वाले देशों की तो पहले नंबर पर आता है चाइना दूसरे नंबर पर आता है भारत और तीसरे नंबर पर आता है ब्राज़ील चाइना भारत और फिर ब्राजील इसके बाद देखिए अगली फसल आती है रबर रबर जो है वो बागानी फसल के अंतर्गत आती है जिसे लेटेक्स पेड़ के रस से प्राप्त किया जाता है रबर को इसका सबसे ज्यादा उत्पादन जो होता है वो दक्षिण पूर्व एशिया में किया जाता है थाईलैंड इंडोनेशिया मलेशिया इन क्षेत्रों में सबसे ज्यादा रबर का जो है वो प्रोडक्शन किया जाता है रबर का अगर उत्पादन करने वाले देशों की बात करें तो पहले नंबर पर आता है देखिए थाईलैंड सेकेंड नंबर पर आता है इंडोनेशिया तीसरे नंबर पर आता है वियतनाम ठीक है वियतनाम और मलेशिया जो है वो उनमें टक्कर रहती है तो आप तीसरे नंबर पर दोनों देशों को ही समझ सकते हो वियतनाम या फिर मलेशिया ठीक है तो थाईलैंड सेकेंड नंबर पर आता है इंडोनेशिया फिर तीसरे नंबर पर आता है वियतनाम एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखिएगा अमेरिका जो है रबर का सबसे प्रमुख आयात मतलब इंपोर्ट करने वाला देश है सबसे ज्यादा इंपोर्ट रबर का देखिए कहां पर होता है अमेरिका में होता है सबसे ज्यादा रबर की खेती जो है वो कहां पर की जाती है इंडोनेशिया में की जाती है पहले भारत में की जाती थी पर अब इंडोनेशिया पहले नंबर पर आ आगे आए तो ध्यान रखिएगा इंडोनेशिया में सबसे ज्यादा रबर की खेती की जाती है रबर की खेती का अगर मूल स्थान की बात करें तो वो कौन सा है दक्षिण अमेरिका में अमेजन घाटी रबर की खेती का मूल स्थान था ठीक है सबसे पहले तो ये हमने देखिए रबर की फसल को अच्छे से डिस्कस करा इसके बाद देखिए अगली फसल को हम डिस्कस करते हैं जो कि है कॉफी हिंदी में इसे बोला जाता है कहवा अफ्रीका के इथोपिया को कॉफ़ी का जन्मदाता कहा जाता है कॉफ़ी की देखिए तीन प्रमुख किस्में होती है जो कि वर्ल्ड में फेमस है पहली देखिए कौन सी है लाइबेरिया सेकंड आती है अरेबिका और तीसरी आती है रोबस्टा अरेबिका जो आती है वो सबसे बेस्ट किस्म होती है कॉफी की और जो तीसरी रोबस्टा है ये देखिए भारत और अफ्रीका में इसे सबसे अधिक मात्रा में उगाया जाता है रोबस्टा कॉफी को अगर कॉफ़ी के प्रोडक्शन की बात करें तो विश्व में देखिए तीन प्रमुख देश कौन कौन से हैं पहले नंबर पर आता है ब्राजील सेकंड नंबर पर आता है वियतनाम और तीसरे नंबर पर आता है कोलंबिया ठीक है पहले और दूसरे नंबर बिल्कुल आप दिमाग में रखिएगा एग्जाम में यहां से क्वेश्चन पूछ लिया गया था पहले नंबर पर कॉफी के प्रोडक्शन में ब्राजील सेकेंड नंबर पर वियतनाम आगे देखिए यूएस का जो एक शहर है हवाई शहर उसमें उत्पन्न होने वाली जो कॉफी है उसको एक विशेष नाम से जाना जाता है किस नाम से कोना कॉफी के नाम से जाना जाता है तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा तो जैसा कि हमने बात करी कि ब्राज़ील जो है वो कॉफी के प्रोडक्शन में पहले नंबर पर आता है तो ब्राज़ील में जहाँ पर बहुत अधिक मात्रा में कॉफ़ी प्लांटेशन होता है उसे वहां पर क्या कहा जाता है फजेंडा कहा जाता है ठीक है ये चीज आपको पता होना चाहिए क्या बोला जाता है फजेंडा एक इंपॉर्टेंट नोट ध्यान रखिएगा श्रीलंका में कॉफ़ी की खेती जो है वो लीफ जस्ट रोग के कारण पर्ण पर्णकिट रोग के कारण बंद कर दी गई है कुछ समय पहले तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए इसके बाद देखिए अगली फसल हम डिस्कस करते हैं चाय तो चीन को चाय का जनदाता देश कहा जाता है चाय जो है वो बगानी कृषि के अंतर्गत आती है अगर हम बात करें कि विश्व के तीन प्रमुख देश जो चाय का प्रोडक्शन करते हैं चाय का उत्पादन करते हैं तो पहले नंबर पर कौन सा देश आता है चाइना सेकेंड नंबर पर आता है भारत और तीसरे नंबर पर आता है केन्या पहले पे चाइना दूसरे पे भारत तीसरे पे आता है केन्या अगर हम बात करें कि चाय का सबसे ज़्यादा निर्यात एक्सपोर्ट जो है वो कौन सा देश करता है तो वो करता है केन्या देश ठीक है चाय में देखिए कौन कौन से तत्व की उपस्थिति होती है यह चीज आपको पता होना चाहिए क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया था थीनाइन कैफिन टेनिन इन तत्वों की देखिए यहाँ पर उपस्थिति होती है चाय में ठीक है थीनाइन कैफिन टेनिन इन तत्वों की उपस्थिति होती है आगे देखिए चाय की एक कैटेगरी होती है ग्रीन टी इसके प्रोडक्शन की बात करें तो विश्व में देखिए पहले स्थान पर कौन आता है ब्राजील आता है ठीक है ग्रीन टी के प्रोडक्शन में विश्व में पहले नंबर पर कौन सा देश आता है ब्राजील आता है इसके बाद देखिए अगली फसल आती है हमारी कोकोआ कोकोआ जो है बेसिकली देखिए एक बीज होता है जो कि कोको नामक पेड़ के फल से प्राप्त किया जाता है अगर इसके सर्वाधिक उत्पादन करने वाले देशों की बात करें तो पहले नंबर पर आता है देखिए आइवरी कोस्ट अफ्रीका का देश है आइवरी कोस्ट कोकोआ के उत्पादन में पहले नंबर पर आता है सेकेंड नंबर पर आता है घाना और तीसरे नंबर पर आता है इंडोनेशिया ठीक है एग्जाम में क्वेश्चन यहां से बना था ध्यान रखिएगा इसके बाद देखिए अगली फसल तो जूट एक रेशेदार फसल होती है जिसका सबसे ज्यादा उत्पादन जो होता है वो भारत बांग्लादेश और थाईलैंड में किया जाता है विश्व के तीन सबसे बड़े जूट उत्पादक देशों की बात करें तो पहले नंबर पर आता है भारत सेकेंड नंबर पर आता है बांग्लादेश और तीसरे नंबर पर आता है चाइना विश्व का पचपन जूट जो है वो सिर्फ भारत में ही प्रोड्यूस होता है ठीक है और बांग्लादेश में देखिए इकतालीस प्रतिशत और चाइना में तेरह प्रतिशत जूट का देखिए प्रोडक्शन होता है आगे देखिए गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टाई मैदान जो है वहां पर विश्व का सर्वाधिक जूट जो है वो उत्पादित किया जाता है किस क्षेत्र में गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टाई मैदान में जूट उत्पादन देशों में अगर बात करें कि सबसे अधिक प्रति हेक्टेयर जूट का उत्पादन कौन सा देश करता है तो उसमें आता है पहले नंबर पर बांग्लादेश ठीक है प्रति हेक्टेयर जूट का उत्पादन करने में पहले नंबर पर आता है बांग्लादेश एक इंपॉर्टेंट चीज भी देखिए यहां पर हमने डिस्कस करा कि पहले नंबर पर जूट प्रोडक्शन में भारत आता है सेकेंड नंबर पर बांग्लादेश आता है तो मसालों के प्रोडक्शन में भी ध्यान रखिएगा पहले नंबर पर भारत सेकेंड नंबर पर बांग्लादेश आता है ठीक है जूट और मसाले प्रोडक्शन में पहले नंबर पर भारत सेकेंड नंबर पर बांग्लादेश तो फ्रेंड्स देखिए यहां पर 12 से 13 इंपॉर्टेंट फसलों के प्रोडक्शन का डेटा हमने डिस्कस करा इसके अलावा भी देखिए मैं आपको चार महत्वपूर्ण फसलों के प्रोडक्शन का डेटा जो है वो बता रहा हूँ वो चीज़ भी आप ध्यान रखिएगा ज्वार के प्रोडक्शन में देखिए नाइजेरिया पहले नंबर पर आता है सेकंड नंबर पर संयुक्त राज्य अमेरिका और तीसरे नंबर पर आता है भारत मूंगफली के प्रोडक्शन में चाइना पहले नंबर पर भारत सेकंड नंबर पर और तीसरे नंबर पर आता है ऑस्ट्रेलिया दलहन के प्रोडक्शन में देखिए दलहन दाल के प्रोडक्शन में भारत जो है वो पहले नंबर पर आता है रूस दूसरे नंबर पर आता है और ऑस्ट्रेलिया तीसरे नंबर पर सोयाबीन के प्रोडक्शन में संयुक्त राज्य अमेरिका पहले नंबर पर ब्राजील दूसरे नंबर पर और अर्जेंटीना आता है तीसरे नंबर पर तो बस ये चार जो मैंने आपको डिस्कस करे हैं फसलें इनको बस एक बार आप देख लीजिएगा ज्वार मूंगफली दलहन और सोयाबीन आगे देखिए फ्रेंड्स कुछ ऐसी प्रमुख फसल है आलू प्याज टमाटर जिनका यूज जो है हम डेली रूटीन में करते हैं तो इनके प्रोडक्शन का देखिए एक सीक्वेंस आप ध्यान रखिएगा आलू प्याज और टमाटर तीनों के लिए पहले नंबर पर आता है देखिए चाइना हाईएस्ट प्रोडक्शन में सेकंड नंबर पर आता है भारत तो आलू प्याज टमाटर के प्रोडक्शन में पहले नंबर पर चाइना दूसरे नंबर पर भारत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इसके बाद देखिए आगे हम बात करते हैं फलों की तो फलों के प्रोडक्शन में भी बहुत आपको इजी तरीके से बताऊंगा मैं थोड़ा मैंने कैटेगरी बना दी है तो ध्यान रखिएगा सेब अंगूर लीची नाशपती और नींबू इन सब के प्रोडक्शन में जो देश पहले नंबर पर आता है वो कौन आता है चाइना इसके अलावा देखिए केला अनार आम पपीता और आंवला इन सब के प्रोडक्शन में जो देश पहले नंबर पर आता है वो कौन सा आता है भारत मेन भारत और चाइना में ही देखिए यहां पर फाइट होगी आपको ऑप्शन इन्हीं में से ढूंढना पड़ेगा इसके अलावा नारियल के प्रोडक्शन में इंडोनेशिया आप ध्यान रख सकते हो इजीली संतरे और अमरूद के प्रोडक्शन में ब्राजील आप ध्यान रख सकते हो ठीक है सेब अंगूर लीची नाशपाती और नींबू के प्रोडक्शन में चाइना पहले नंबर पर केला अनार आम पपीता और आंवला इनके प्रोडक्शन में भारत पहले नंबर पर ठीक है नारियल से देखिए क्वेश्चन पूछा गया था एग्जाम में कि नारियल प्रोडक्शन में सबसे पहले नंबर पर कौन सा देश आता है तो हाइएस्ट प्रोडक्शन होता है नारियल का इंडोनेशिया में भारत जो है वो फलों के उत्पादन में चीन के बाद दूसरे नंबर पर आता है पहले नंबर पर चाइना दूसरे नंबर पर भारत आता है ओवरऑल अगर हम बात करें तो दूसरे नंबर पर आता है भारत तो ये देखिए हमने फलों के प्रोडक्शन का डेटा भी अच्छे से डिस्कस कर लिया है आगे देखिए अब काफी इंटरेस्टिंग चीज हम डिस्कस करेंगे दो में आपसे कृषि के टाइप्स को डिस्कस करूंगा ठीक है अलग अलग तरीके की कृषि होती है उनके दो टाइप्स जो है वो मैं आपसे डिस्कस करूंगा जिसे सबसे ज्यादा एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है तो कृषि का देखिए पहला टाइप जो डिस्कस करूंगा वो है स्थानांतरित कृषि जिसे बोला जाता है शिफ्टिंग फार्मिंग ठीक है वेरी वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट है बहुत क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं तो शिफ्टिंग फार्मिंग जो है इसमें क्या होता है कि भूमि का एक टुकड़ा जो होता है वो कुछ टाइम के लिए फसल बोने के लिए चुना जाता है जब कुछ सालों में उस भूमि के टुकड़े का उपजाऊपन जो होता है वो खत्म हो जाता है तो उस भूमि के टुकड़े को कुछ सालों के लिए छोड़ दिया जाता है और शिफ्ट कर लिया जाता है नई भूमि के टुकड़े पर उसे फिर फसल बोने के लिए चुना जाता है ठीक है दस बारह साल में वो जो छोड़ा गया भूमि का टुकड़ा था उस पर वनस्पति पौधे उगने लगते हैं तब उसकी कटाई करके कृषि के लिए उस भूमि को फिर से तैयार किया जाता है तो कहने का मतलब आपको समझ में आया यहां पर क्या हो रहा है कि एक भूमि का टुकड़ा फसल के लिए यूज करा जब उसमें उपजाऊपन खत्म हो गया तो फिर नए भूमि के टुकड़े पर शिफ्ट हो गए उस भूमि के टुकड़े को वैसे ही छोड़ दिया गया फिर ऑटोमेटिकली क्या हुआ कुछ सालों में वहां पर पेड़ पौधे उगाए जिससे कि उस भूमि की उर्वरक क्षमता जो है फिर से बढ़ गई फिर वहां पर वापस से खेती की जा सकती है तो इस तरीके से शिफ्ट किया जाता है शिफ्टिंग फार्मिंग के अंतर्गत समझ में आया आपको अब देखिए भारत में जो स्थानांतरित कृषि है उसको अलग अलग क्षेत्र में कई नाम से जाना जाता है ठीक है तो हमको ध्यान रखना है एक उत्तर पूर्वी भाग में स्थानांतरित कृषि शिफ्टिंग फार्मिंग को किस नाम से जाना जाता है तो झूम की खेती के नाम से जाना जाता है, जाता है स्थानांतरित कृषि को उत्तर पूर्वी भारत में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में ध्यान रखिएगा आंध्र प्रदेश में इसे देखिए पोलू के नाम से जाना जाता है पर हमको देखिए फोकस करना है पूरा उत्तर पूर्वी भारत पे ठीक है उत्तर पूर्वी भारत में झूम की खेती के नाम से इसे जाना जाता है अब देखिए ये हमने भारत की बात करी ऐसे ही पूरे विश्व में स्थानांतरित कृषि को अलग अलग नाम से जाना जाता है जैसे कि भारत में झूम थाईलैंड में तमराई के नाम से म्यांमार में तुंगिया के नाम से श्रीलंका में चेन्ना ब्राजील में रोका ग्वाटेमाला में मिल्पा मलेशिया में लदांग इन नामों से देखिए स्थानांतरित कृषि को जाना जाता है तो अब इनका नाम याद करना तो बहुत डिफिकल्ट है हंड्रेड परसेंट अगर आप आज याद करोगे तो तीन चार दिन बाद भूल जाओगे तो इसके लिए हमको देखिए यहाँ पर ट्रिक रिक्वायर्ड है हमको ट्रिक से ही इसको याद करना पड़ेगा नहीं तो हम भूल जाएंगे तो मैंने एक काफी इंटरेस्टिंग स्टोरी बनाई है आप बस वो स्टोरी सुनिए ऑटोमेटिकली देखिए एग्जाम में क्वेश्चन आएगा आप हंड्रेड बिल्कुल सही कर दोगे बस एक ही बार इसको ट्रिक को सुनना है आपको तो देखिए ट्रिक क्या है हमारी एक आदमी है जो कि स्थानांतरित कृषि करता है शिफ्टिंग फार्मिंग करता है ये अब शिफ्टिंग फार्मिंग करने के लिए ये अलग अलग देश में गया तो वहां पर इसके साथ में क्या क्या घटना घटती है वो हम इस ट्रिक में डिस्कस कर रहे हैं ठीक है तो सबसे पहले ये कहां पर गया मलेशिया में गया तो मलेशिया में गया वहां जाकर इसने अच्छे से खेती नहीं करी तो लोगों ने इसको खूब सुनाया ठीक है तो मलेशिया से इसको क्या मिला दाग मिला अच्छी खेती नहीं करने की वजह से मलेशिया में इसको क्या मिला दाग मिला तो ध्यान रखिएगा ऐसे लाइन आपको बोलना है मलेशिया से दाग मिला मलेशिया से दाग मिला मलेशिया से दाग मिला चार पांच बार बोल लीजिए इसको ये लाइन आपके ऑटोमेटिकली जिबान पर सेट हो जाएगी मलेशिया में दाग मिला मलेशिया से दाग मिला मलेशिया से दाग मिला ओके तो मलेशिया से दाग लेने के बाद में ये आदमी कहां पर गया म्यांमार गया ठीक है और देश के नाम में स्पष्ट है मार तो वहां के लोग जब भी ये खेती करता था तो इसको मारते थे तो इसे मार खा खा के तो खेती इससे नहीं हुई तंग आ गया ये तो ये वहां से चला गया श्रीलंका तो म्यांमार से ये तंग आ गया म्यांमार से तंग आ गया तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा मार खाकर ये तंग आ गया था तो खेती इससे हुई नहीं अच्छे से वहां पर उसके बाद चला गया श्रीलंका तो श्रीलंका में भी देखिए अच्छे से खेती नहीं कर पाया क्योंकि वहां पर जमीन का अभाव था जमीन वहां पर कम थी श्रीलंका में तो स्थानांतरित कृषि जो है शिफ्टिंग फार्मिंग कर ही नहीं पाया तो वहां से इसको चेन्नई भेज दिया चेन्नई मतलब भारत में जब आया ये ठीक है तो वहां पर इसको खूब सारे खेत दिखे तो खूब झूम झूम कर इसने शिफ्टिंग फार्मिंग जो है वो की स्थानांतरित कृषि की भारत के बाद ये आदमी कहाँ पर गया ब्राजील गया ब्राजील जाने पर इसको वहां का एटमोसफेयर काफी पसंद आया और बहुत अच्छी इसने वहां पर खेती करी स्थानांतरित कृषि की तो ब्राजील वालों ने इसको रोक लिया ठीक है ब्राजील में इसको रोक लिया ये बार बार आप बोलिए ब्राजील में रोक लिया ब्राजील में रोक लिया भारत में झूम गया खेत देखकर झूम गया भारत में झूम गया श्रीलंका से चेन्नई भेज दिया श्रीलंका से चेन्नई भेज दिया म्यांमार से तंग आ गया म्यांमार से तंग आ गया मलेशिया में दाग मिला मलेशिया में दाग मिला तो बस ये लाइन को हमको चार पांच बार बोल लेना है बस एक बार ठीक है आपको भी पता नहीं चलेगा कि आपको क्या चीज़ याद हो रही है एग्जाम में आप देखिए क्वेश्चन देखोगे इजीली आंसर बना लोगे अभी हम टेस्ट लगाएंगे उसमें आपको समझ में आ जाएगा इसके बाद देखिए ये आदमी कहाँ गया थाईलैंड गया लास्ट में अब थाईलैंड जो है आप सभी को पता ही है वहाँ के हाथी बहुत फेमस है तो वहाँ खेती कर रहा था खेती करते करते एक हाथी आया और इसके ऊपर चल गया तो हाथी के नीचे दबकर ये मर गया तो थाईलैंड में मर गया ठीक है तो देखिए हमारी ट्रिक जो थी बस यही थी एक स्टोरी थी जो आपने ध्यान से सुना तो चलिए वापस चलते हैं और उन सभी नामों को हम डिस्कस करते हैं तो देखिए सबसे पहले वो मलेशिया गया था तो मलेशिया में देखिए अच्छी खेती नहीं करी थी तो दाग मिला था तो मलेशिया से दाग मिला मतलब लदांग मलेशिया में स्थानांतरित कृषि को लदांग के नाम से जाना जाता है इसके बाद देखिए म्यांमार गया था तो मार वहाँ पर देखिए खेती कर रहा था तो मारा था इसको तो तंग आ गया था ये तो म्यांमार में देखिए तुंग्या के नाम से आना जाता है ठीक है तो तुंग वर्ड में देखिए तंग छुपा हुआ है ऐसे आप इसको पकड़ सकते हो म्यांमार के बाद में कहा गया था श्रीलंका गया था तो श्रीलंका में इसको खेती नहीं मिले वहां पर इतनी जमीन की कमी थी तो वहां से इसको चेन्नई भेज दिया तो श्रीलंका में देखिए इसे किस नाम से आना जाता है स्थानांतरित कृषि को चेन्ना के नाम से आना जाता है फिर भारत आया था ये तो भारत में खेत देख देख कर ये झूम उठा ठीक है तो झूम की खेती के नाम से आना जाता है स्थानांतरित कृषि को भारत में इसके बाद देखिए कहा गया था ये ब्राजील गया तो ब्राज़ील में इतनी अच्छी खेती करी इसने कि ब्राजील वालों ने इसे रोक लिया तो ब्राजील में रोका के नाम से जाता है स्थानांतरित कृषि को ठीक है इसके बाद देखिए कहा गया थाईलैंड थाईलैंड गया तो में जब स्थानांतरित कृषि कर रहा था तो थाईलैंड के हाथियों ने देखिए इसे दबोच मार दिया तो देखिए थाईलैंड में स्थानांतरित कृषि को किस नाम से आना जाता है तमराई के नाम से तो यहाँ पर मर वड जो है वो छुपा हुआ है उसके बाद लास्ट में देखिए ध्यान रखिएगा ग्वाटेमाला तो देखिए यहाँ पर लास्ट में माला आ रहा है वर्ड तो उसी से रिलेटेड देखिए मिल्पा ठीक है वर्ड आपको सिमिलर मिल जाएंगे तो इस तरीके से आप बड़ी आसानी से ट्रिक के माध्यम से याद कर सकते हैं एक चीज और इंपॉर्टेंट ध्यान रखिएगा कि स्थानांतरित कृषि की शुरुआत जो हुई थी वो कहाँ से हुई थी थाईलैंड से हुई थी ओके इसके बाद देखिए कृषि का देखिए सेकेंड टाइप हम डिस्कस करते हैं जो कि है सोपान कृषि हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड जैसे राज्यों में मैदानी इलाके नहीं होते हैं ठीक है वहां पर मैदानी इलाकों का अभाव होता है तो वहां के लोग क्या करते हैं पहाड़ों के ढलानों पर सीढ़ियों के आकार के खेत बना देते हैं और खेती करते हैं जिसे क्या बोलते हैं सोपान खेती बोलते हैं सोपान कृषि कहते हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम में यहां से क्वेश्चन पूछा गया था तो ये देखिए कृषि के हमने दो टाइप डिस्कस करे जिनसे सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में स्थानांतरित कृषि उसको अलग अलग देशों में किस नाम से जाना जाता है वो हमने ट्रिक से याद करा उसके बाद सेकेंड देखिए हमने डिस्कस करा सोपान कृषि आगे देखिए हम बात करेंगे अलग अलग प्रकार की कृषियों को किस नाम से जाना जाता है मतलब हॉर्टिकल्चर को डिस्कस करेंगे हॉर्टिकल्चर क्या होता है इसे हिंदी में बोला जाता है बागवानी खेती इसके अंतर्गत फल सब्जी पेड़ फूल इन सभी का उगाना जो होता है वो शामिल होता है ध्यान दीजिएगा बागवानी खेती में अन्य खेती के कंपेरिजन में अधिक मानव श्रम की आवश्यकता होती है बागवानी खेती के अंतर्गत ठीक है हॉर्टिकल्चर में हॉर्टिकल्चर की देखिए अलग अलग ब्रांचेस होती है पोमोलॉजी ओलेरिकल्चर फ्लोरिकल्चर वीटिकल्चर ये इसकी अलग अलग ब्रांचेस होती हैं तो जितना मैं आपको बता रहा हूँ उतना ध्यान रखिएगा पोमोलॉजी जो होती है वो किसे कहा जाता है फलों की खेती को कहा जाता है ओलेरी जो है वो किसे कहा जाता है सब्जियों की खेती को कहा जाता है ध्यान रखिएगा सब्जियों की खेती को क्या कहा जाता है ओलेरी कहा जाता है फ्लोरी में देखिए क्या आएगा फूलों की खेती को कहा जाता है फ्लोरी और फूल सेम सेम मिल रहा है बिल्कुल तो उसको तो आप इजीली याद रख सकते हो वीटी कल्चर में देखिए आता है अंगूर की खेती ओके तो ये हमने देखिए हॉर्टिकल्चर की कुछ ब्रांचेस डिस्कस करी जो कि इंपॉर्टेंट है और जिनसे क्वेश्चंस बनते हैं अब एको एक और चीज ध्यान रखिएगा एक टेक्निक एक प्रक्रिया एक प्रोसेस जो आपको पता होना चाहिए पौधों को हवा में उगाने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं एरिपोनिक कहा जाता है क्या कहा जाता है एरीपोनिक कहा जाता है पौधों को हवा में उगाने की प्रक्रिया को एरिपोनिक कहा जाता है ठीक है फ्रेंड्स एक इंपॉर्टेंट नोट ध्यान रखिएगा शहद के उत्पादन के लिए मधुमक्खी पालन जो होता है उसे क्या कहा जाता है एरिकल्चर कहा जाता है क्या कहा जाता है एरिकल्चर ओके आगे देखिए फ्रेंड्स काफी इंटरेस्टिंग चीज हम डिस्कस करने वाले हैं जब पौधे या वनस्पति अलग अलग वातावरण में उगती हैं तब उन्हें विशिष्ट क्षेत्र के कारण अलग अलग नाम से जाना जाता है तो उसको भी हम अच्छे से डिस्कस कर लेते हैं ट्रिक के माध्यम से डिस्कस करेंगे देखिए जल के ऊपरी सतह पर उगने वाली वनस्पतियां या पौधे होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है तो उन्हें क्या कहा जाता है हाइड्रोफाइट कहा जाता है सेकेंड देखिए ह्यूमिडिटी आद्रता नमी वाले इलाकों में उगने वाली वनस्पति या पौधे को क्या कहा जाता है हाइग्रोफाइट कहा जाता है देखिए हाइड्रो और हाइग्रो में कंफ्यूज मत होइएगा हाइड्रोफाइट मतलब जल के ऊपरी सतह पर उगने वाली वनस्पतियां पौधे हाइग्रोफाइट में क्या आएगा ह्यूमिडिटी मतलब आर्द्रता नमी वाले इलाकों में उगने वाली वनस्पतियां पौधे को कहा जाता है ठीक है ऐसी वनस्पतियां या प्लांट्स जो मरुस्थलीय क्षेत्र में उगती है उसे क्या कहा जाता है जीरोफाइट कहा जाता है देखिए ये याद करना थोड़ा डिफिकल्ट होगा तो इसको ट्रिक से याद कर लेते हैं अब मरुस्थलीय क्षेत्र में आपने देखा होगा जो प्लांट्स होते हैं वो मतलब जीरो के बराबर होते हैं ठीक है वनस्पतियां जो होती है वो जीरो के बराबर होती है तो उस तरीके से आप याद रख सकते हो उसे क्या कहा जाता है जीरो फाइट कहा जाता है इसके बाद देखिए ठंडे क्षेत्रों की मिट्टी में उगने वाली वनस्पतियां प्लांट्स जो होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है क्रायोफाइट कहा जाता है इसकी देखिए ट्रिक क्या है क्योंकि ठंडे क्षेत्र की मिट्टी में उग रही वनस्पतियां तो वहां के पौधे जो होते हैं ठंड से क्राय मतलब रोने लगते हैं तो उससे आप ध्यान रख सकते हो क्रायोफाइट इसके बाद देखिए नमकीन मिट्टी मतलब शारी मिट्टी में उगने वाली वनस्पतियों को क्या कहा जाता है हेलोफाइट कहा जाता है क्या कहा जाता है फ्रेंड्स हेलोफाइट ये भी इंपॉर्टेंट है एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कठोर चट्टानों पर उगने वाली वनस्पतियां जो है उन्हें क्या कहा जाता है लियोफाइट कहा जाता है ओके तो हाइड्रोफाइट हाइग्रोफाइट जीरोफाइट क्रायोफाइट हेलोफाइट और लियोफाइट ये हमने अच्छे से डिस्कस करा आई होप आपको समझ में आया होगा आगे देखिए एक छोटा सा टॉपिक और बच रहा है हमारा पशुपालन उसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं पशुपालन जो है कृषि का एक महत्वपूर्ण अंग है पशुओं की सर्वाधिक संख्या की बात करें तो वो कहाँ पर मिलती है एशिया में मिलती है विश्व के 40 प्रतिशत पशु जो है वो एशिया में पाए जाते हैं अब देखिए विश्व में दुग्ध उत्पादन की बात करें तो गाय के दूध उत्पादन में संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए जो है वो पहले नंबर पर आता है और सेकंड नंबर पर आता है भारत पर अगर हम भैंस के दूध के प्रोडक्शन की बात करें तो उसमें भारत पहले नंबर पर आता है और दूसरे नंबर पर आता है चाइना ठीक है पर अगर हम आगर बात आगर करें कुल दूध उत्पादन की तो उसमें भारत जो है वो पहले नंबर पर आता है और दूसरे नंबर पर आता है संयुक्त राज्य अमेरिका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है यहाँ से चार से पांच बार एग्जाम में पूछा गया दूध उत्पादन में भारत का स्थान कौन सा है पहले नंबर पर है ठीक है कुल दूध उत्पादन में पहले नंबर पर आता है भारत दूसरे नंबर पर संयुक्त राज्य अमेरिका अब देखिए एक पशुओं से संबंधित रोग है मेटकाउ रोग जानवरों में होने वाला एक रोग है ये रोग जो है गायों के मस्तिष्क के भाग को प्रभावित करता है और ये रोग जो है 1980 में ब्रिटेन में पहली बार देखने को मिला था जिसमें एक लाख अस्सी हजार गाय जो थी उनकी मौत हो गई थी ठीक है मेटकाऊ रोग के कारण तो ये ध्यान रखिएगा आप तो ये देखिए हमने पशुपालन को अच्छे से डिस्कस करा लास्ट में मैं आपको दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता रहा हूं उनको ध्यान से सुनिएगा ठीक है उसके बाद हमारा ये लेक्चर यहां पर कंप्लीट हो जाएगा दो इम्पोर्टेंट पॉइंट है पहला देखिए हमने बात की थी कि गेहूं और चावल उत्पादन में चीन जो है वो पहले नंबर पर आता है ठीक है तो चीन में गेहूं का उत्पादन अधिक जो होता है वो कहां पर होता है हुआंगो नदी और उसकी सायक नदी के बेसिन क्षेत्र में सबसे ज्यादा गेहूं का उत्पादन होता है चीन में वांगो नदी और उसकी सहायक नदियों के बेसिन क्षेत्र में गेहूं का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है चावल उत्पादन में भी देखिए चाइना पहले नंबर पर है तो चावल का प्रोडक्शन जो होता है चाइना में सबसे ज्यादा वो यांगसी और सिक्क नदी के घाटी क्षेत्र में सबसे ज्यादा होता है कहाँ पर यांगसी और सिक्क नदी के घाटी क्षेत्र में ऐसे हमने बात करी थी कि कॉफी के प्रोडक्शन में ब्राजील जो है वो पहले नंबर पर आता है तो ब्राजील का देखिए एक क्षेत्र काफी प्रसिद्ध है सालो पालो क्षेत्र जिसे विश्व की कॉफी मंडी भी बोलते हैं कहुआ मंडी के नाम से भी जाना जाता है ठीक है सालो पालो क्षेत्र को सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए शहतूस जो है वो विश्व का सबसे सुंदर गर्म और हल्का ऊन है जो कि चीन के तिब्बत में पैदा होता है इस ऊन को चिरु नामक जानवर के बालों से प्राप्त किया जाता है किस जानवर से चिरु नामक जानवर के बालों से प्राप्त किया जाता है शहतूष ऊन को इससे देखिए गर्म ऊनी शाल जो है वो बनाई जाती है तो ध्यान रखिएगा तिब्बत क्षेत्र जो है चीन का वो इसके लिए प्रसिद्ध है विश्व में देखिए अगर ऊन वूल का अगर प्रोडक्शन की बात करें हम ठीक है तो सर्वाधिक प्रोडक्शन जो है वो कौन सा देश करता है ऑस्ट्रेलिया करता है विश्व में ऊन का सर्वाधिक उत्पादन ऑस्ट्रेलिया करता है ठीक है तो फ्रेंड्स देखिए ये वर्ल्ड एग्रीकल्चर वाला हमारा थ्योरी सेक्शन जो है वो यहां पर कंप्लीट होता है is part sb Sero kumar subscribe kga is channel kotata like kga